जब भी मैं ये काम करती हूँ मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि मैं बिजनेस के लिए काम करती हूँ। आगे किसी चीज में ना जाके हमने पेंटिंग्स चुना ताकि हमारी एक हॉबी भी साथ में रहे और हमें उस काम को करने में मजा भी आए। जब हमारा आइडिया सिलेक्ट हुआ था तो जो सीड मनी थी वो जो हमारा अकाउंट जिसमें हमारी स्कूल रिलेटेड सारी मनी आती है स्कॉलरशिप की ड्रेस बुक्स की उसी में पर स्टूडेंट 1,000 रुपीज आया था। हमें सिर्फ ये पता था कि पेंटिंग बनानी है बेचनी है पर वो जो पूरा प्रोसेस था हमें कोई आइडिया नहीं था कि कैसे होगा। कोच ने हमें ये बताया कि हम हमारी जो ये हॉबी है हम उसको कैसे बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे जो कोच थे ना उन्होंने भी बताया था कि पहले पेंटिंग्स बना के एकदम बेचना नहीं है, उसको प्लानिंग के साथ कैरी ऑन करना है। मैं ये चाह रही थी कि जो स्टूडेंट्स काफ़ी ऑलरेडी टैलेंटेड है इनको एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करूँ और उनके आर्ट को कैसे फाइनेंशियली वायबल बना सके। हम एक दिन सेट करते हैं हफ्ते में जैसे एक दिन, उस दिन हमने और कुछ काम नहीं करना है। मिनी मेरे घर पे आती है या फिर मैं उसके घर पे जाती हूँ और पूरा दिन मार्केट में स्पेंड करते हैं कि कहाँ से क्या चीज़ अच्छी मिल सकती है कहाँ से नहीं। हमारे पास 2,000 की सीड मनी थी तो हमने उसको इन्वेस्ट किया और हमने स्मॉल साइज़ की पेंटिंग बनाई जिससे कि हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े। जब वो हमारी सेल हो गई थी उसके बाद हम लार्ज साइज पे आए थे। पहले 4-5 डिज़ाइंस बनाई फिर उसके बाद हमने लोगों को दिखाई, उनको पसंद आई और उसके बाद बोला कि अगर आपको ये चाहिए तो ये बिल्कुल अवेलेबल है, वरना आप अपनी ऑर्डर बेस्ड पेंटिंग भी दे सकते हो कि आपको कैसी पेंटिंग्स चाहिए। After being the part of this project, I will say that entrepreneurship is not just a project or a subject, it's a way of living. अगर मैं किसी कंपनी में जॉब करूँ तो वहाँ मैं बस उतना ही देर काम करूँगी 8 घंटा, वो भी अपने दिमाग को ख़राब करके कि बस अब काम करना है ये सोच के। बट अगर मैं इस फील्ड में जाती तो मैं बिल्कुल भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे अच्छा लगेगा, मतलब मैं सोचूंगी कि थोड़ा और इन्वेस्ट कर दूँ। कुछ बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं ये बोलने से कि तुम्हें बस यही आता है, तो अगर ये प्रोजेक्ट अगर उनको मिल रहा है ना तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी उनसे कि तुम्हें बस यही जो आता है ना तो इस बस यही को ऊपर उठा दो तुम और फिर बता दो बस यही से बहुत कुछ हो सकता है।